बैंक को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब पेटीएम फास्टैग का यूज भी बंद हो गया है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि फास्टैग की सेवाएं कुछ यूजर्स कर पा रहे हैं और कुछ यूजर्स नहीं कर पा रहे। पेटीएम फास्टैग यूजर्स को काफी सारी दिक्कतें भी उठानी पड़ रही है इस वजह से। नमस्कार, मैं दीदी फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी मीडिया। इसी बीच पेटीएम के ऊपर लगे प्रतिबंध के बाद भी HDFC बैंक के साथ साझेदारी में फास्टैग जारी कर रही थी, लेकिन अब आई नई गाइडलाइंस के अनुसार अब नए फास्टैग जारी करने की अधिकार पेटीएम बैंक से वापस ले लिया गया है। लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वे अपने पेटीएम फास्टैग में पड़े पैसे को किसी दूसरे बैंक के द्वारा इशू किए गए फास्टैग में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो RBI ने इस पर कहा है कि ऐसा संभव नहीं है। RBI अभी भी फास्टैग प्रोडक्ट्स में बैलेंस को ट्रांसफर करने की सुविधा नहीं दे रहा है। ऐसे में यूजर्स अपने पेटीएम फास्टैग का बैलेंस किस तरीके से फास्टैग में ट्रांसफर कर सकते हैं। लोग बार बार ये भी जानना चाह रहे हैं कि बंदिशों के बाद अगर वे किसी दूसरे फास्टैग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसे में उनके पुराने फास्टैग में क्या होगा, क्या उनके पैसे वापस आएंगे। इस बारे में रिजर्व बैंक ने बताया कि यूजर्स को अपने बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें अपने पुराने पेटीएम फास्टैग को बंद करवाना होगा, उसके बाद वे बैंक की रिफंड का रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही NHAI की रोड ट्रॉलिंग अथॉरिटी IHMCL ने वाहन मालिकों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक से अलग 32 ऑथराइज्ड बैंकों से फास्टैग खरीदने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक के खाते वॉलेट फास्टैग में जमा किए गए टॉपअप स्वीकार करने के लिए बंद करे आदेश को बंद कर दिया है। हालांकि ब्याज कैशबैक या रिफंड ग्राहकों को किसी भी समय वापस मिल सकता है। अब ग्राहक को राहत देते हुए RBI ने पाबंदियों के डेडलाइंस को 29 फरवरी से आगे बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। RBI की तरफ से पहले बताया गया था कि 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वॉलेट फास्टैग NCMC कार्ड आदि में किसी भी तरह की जमा या क्रेडिट लेन देन की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन अब इस काम को आप 15 मार्च तक कर सकेंगे। RBI ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के खिलाफ है, पेटीएम ऐप पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।